हाँ, अभी आपने देखा कि फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि एक फैमिली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसी फैमिली में अपने सुख दुख सब बांटते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और बुरे वक्त में भी हमारी फैमिली के मेंबर ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो फैमिली ट्री किस तरह से बनता है, इसी को हम देखने जा रहे हैं। कई बच्चे क्या है, इस तरह से एक छोटा सा फैमिली ट्री बना देते हैं। बेटा, फैमिली ट्री जरूरी नहीं इतना सा बने, ये एक सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है फैमिली ट्री का। मान लीजिए आपके घर में आप है, आपकी दी बहन है और आपके भाई है, हाँ। अब या फिर इन दो कोई दो हो सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। अब आप किससे रिलेटेड है, अपने मम्मी से और अपने पापा से, आपकी दीदी भी आपकी मम्मी से और आपके पापा से, और आपके भाई भी आपके मम्मी और पापा दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों के मम्मी पापा, ये मम्मी और पापा, तो ये एक फैमिली ट्री हो गई। लेकिन फैमिली ट्री यहाँ पर इतने से में रुकती नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अभी हमारे ग्रैंड पापा या ग्रैंड मम्मी अभी तो ये हमारे साथ नहीं रहते, तो हम अपनी फैमिली ट्री में उनको शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली के बारे में नहीं पूछा आपको। आपको कहा फैमिली ट्री बनाना, तो आपके दादा दादी अगर आपके पास रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं तो भी फैमिली ट्री में भी आएंगे। आपके नाना नानी नहीं रह रहे हैं, चाचा चाची दूर है, मामा फूफा कहीं दूर है, तो भी वे लोग आपकी फैमिली ट्री में आएंगे। तो फैमिली ट्री में जैसे एक और फैमिली ट्री मैंने बनाया है, जैसे मान लीजिए आप और आपके आपकी बहन, या फिर आप और आप है और आपका भाई है, कोई भी हो सकता है, तो उन लोगों वो आपकी फैमिली ट्री में है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई, आप किससे रिलेटेड है, मम्मी पापा से। आपके मम्मी पापा आप दोनों के हैं, और आपका मान लीजिए ये कजिन ब्रदर है, ठीक है। कजिन ब्रदर मतलब चाचा चाची का बेटा है, तो अंकल आंटी। अब ये अंकल और पापा, ये दोनों कौन है, भाई है। तो ये दोनों जो है ये किससे रिलेटेड रहेंगे, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से, ये पैटर्नल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है। और मम्मी जो है वो किससे रिलेटेड रहेगी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वो मैटर्नल मतलब नाना नानी से रिलेटेड रहेगी। तो आपका ये फैमिली चल रहा है। लेकिन फैमिली ट्री केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप से शुरू किया मैंने, ये आप है, ठीक है, और ये आपके मान लीजिए आपके घर में आपका कजिन ब्रदर है, या फिर चलिए मैं एक ही ये इससे से लेकर चलती हूँ, आपका ये कोई कजिन ब्रदर है, ठीक है। अब कजिन ब्रदर है तो कजिन ब्रदर मतलब आपके अंकल आंटी का बेटा है, यानी यहाँ आपके कौन आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे और आंटी आ जाएंगे, या अंकल आंटी हो गए। और आप किससे रिलेटेड है, मम्मी और पापा से, ये मदर है और फादर है, इनसे रिलेटेड है। मदर फादर मतलब आपके पापा और अंकल, इन दोनों के मम्मी पापा कौन है, एक ही हो जाएंगे। इनके मम्मी पापा आपके कौन लगेंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर लगेंगे, ठीक है। और आपके जो मम्मी है, जो आपके मम्मी है, उनके मम्मी पापा, ये आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये इनको आप क्या बोलेंगे, नाना नानी। अब ये लोग भी आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से रिलेटेड है, मतलब कि आपके दादा दादी से रिलेटेड है, आपके अंकल आंटी भी। अब मम्मी के फैमिली में और लोग कौन आ सकते हैं, मम्मी के फैमिली में आपके आ गए कौन आ गई, मौसी आ गई, ठीक है। इनको भी हम इंग्लिश में तो आंटी ही बोलते हैं, आप मौसी लिख सकते हो, मौसी आ गई। फिर इसके अलावा और कौन आ सकता है मम्मी की फैमिली से, मामा आ जाएंगे। ये मामा, मौसी और आपकी मम्मी, ये तीनों के कौन कौन रिलेशन में है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। और फादर की फैमिली में कौन आ गए, चाचा आ गए, और आपके बड़े पापा आ गए, आपकी बुआ आ गई, ये सब फादर की फैमिली में आ गए। तो ये सब लोग आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की फैमिली में आ जाएंगे। परंतु ये सभी से आपका एक रिलेशन है, एक बड़ी सी फैमिली ट्री है, तो सबको आप अपनी फैमिली ट्री में शामिल कर सकते हो। और अगर नहीं चाहे तो कम से कम इतना तो जरूर बनाइए कि आप हैं, आपकी दीदी है, भाई है, या कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, जो भी है, मदर फादर है, फिर आपकी मम्मी के मम्मी पापा है, आपके पापा के मम्मी पापा है, आपको जहां तक पता है उसको जरूर बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से फैमिली ट्री आप बनाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉपी में बनाएं, आप एक चार्ट पेपर में बना सकते हैं। अब पर आप
एंजॉय करते हुए बनाइए। अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उन लोग कितने भाई बहन हैं, अपने पापा से पूछिए कितने भाई बहन हैं, आपको सही में बहुत मजा आएगी, ठीक है। हाँ, और अब मैं आप लोगों को MCQ दे रही हूँ, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं चेंजिंग फैमिलीज के MCQs, ठीक है। इसमें ज़्यादा MCQs नहीं है और मैंने जनरल वे में बनाया है, ऐसे निमिस फैमिली, सैरिंग फैमिली या फिर नाजिल फैमिली, ये सब के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि हर घर में आपका एक निम्मी हो सकती है, सैरिंग हो सकता है, नाजिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वे केवल एक कहानी बताया गया है, जो रियल कहानी है, जैसे अमृता की स्टोरी, वो रियल कहानी है, तो उसमें ज़रूर हम MCQ बनाएंगे अमृता के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये जो कहानी है वो सभी बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, इसलिए मैंने जनरल वे में इसमें बनाया है MCQ। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस ऑकर्स इन अ फैमिली व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, चूज इन करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इन करेक्ट आंसर चूज करना है। एवरीवन इज बिजी टू टेक केयर ऑफ न्यू बेबी, एवरीवन वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ न्यू बॉर्न, न्यू मदर ऑल्सो नीड्स मोर केयर एंड सम मेंबर्स डू नॉट फील हैप्पी, ठीक है। आप उसमें करेक्ट ऑप्शन लिखिए अपनी कॉपी में, नंबर वन एंड करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, वाई इज फैमिली इंपॉर्टेंट फॉर अस, फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, दे शेयर देयर फीलिंग्स, जॉयस एंड सोरो टू ईच अदर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वैन अ बेबी इज बॉर्न इन अ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, सेम एज बिफोर, डोंट नो, ओके। तो अपना सही ऑप्शन फटाफट लिखते जाइए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एज पर लॉ मिनिमम एज फॉर अ गर्ल्स एंड अ बॉय फॉर मैरिज 21-18, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को और उसी के अकॉर्डिंगली आपका क्रम होना चाहिए, 18-21, 21-21, 25-25, ठीक है। कितना ईयर होना चाहिए गर्ल्स का और बॉयज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली और फैमिली मेम्बर्स, अगर ये हैज और हैव, मतलब एक ही जा रहा है तो हैज, बहुत सारे जा रहे हैं तो हैव, और हैव टू लीव देयर ओरिजिनल प्लेस ड्यू टू, अब किस लिए उन्हें अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ना पड़ रहा है, ट्रांसफर इन जॉब, हायर एजुकेशन, एटमॉस्फेरिक चेंज और ऑल ऑफ द अबो। चलिए, उम्मीद है आपने फटाफट लिख लिया होगा, अब इसके आंसर चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस ऑकर्स फैमिली में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर सब लोग नए बच्चे की हेल्प तो जरूर करते हैं, एक दूसरे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय सब बिताना चाहते हैं, नई मम्मी को भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है, कुछ फैमिली मेम्बर खुश नहीं होते, एक छोटा बच्चा आएगा तो कौन खुश नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना। तो ऑप्शन डी सही है, चूज इन करेक्ट आंसर बोला ना, तो इन करेक्ट आंसर डी हो गया, छोटा बच्चा आने से तो हर कोई खुश होता है ना। नेक्स्ट, फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट है, फैमिली मेंबर हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वे अपनी फीलिंग्स, खुशियां, दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब दोनों सही है या कोई सा सही नहीं है, ऑब्वियसली ये दोनों सही है, हालांकि ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन आपने ए या बी में टिक किया तो गलत हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जब एक बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो फैमिली मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है या पहले जैसी रहती है। तो ऑब्वियसली एक फैमिली मेंबर बढ़ गया तो इंक्रीज्ड आएगा, इंक्रीज्ड। एज पर लॉ मिनिमम एज, एक लड़की की शादी और लड़के की शादी का मिनिमम एज कितना होता है, लड़की के लिए 18 ईयर और लड़के के लिए कितना होता है 21 ईयर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, 18 ईयर ओल्ड और बॉयज का 21 ईयर ओल्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, फैमिली और फैमिली मेंबर्स को घर, अपना ओरिजिनल प्लेस क्यों छोड़ना पड़ता है, कोई केरल में रहने वाला व्यक्ति गुजरात में आके रह रहा है, कोई दिल्ली में रहने वाला छत्तीसगढ़ में आके रह रहा है, तो बिहारी व्यक्ति कहीं पे महाराष्ट्र में जाके रह रहा है, अलग अलग जगह हम रहते हैं, तो क्या कारण है, या तो हमको जॉब, या तो अच्छी जॉब मिल रही है, या ट्रांसफ़र जो हो रहा है जॉब में, हायर एजुकेशन के लिए लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, या एटमॉस्फेयर चेंज करना है आपको, कई बार कुछ जगह का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता इसलिए भी चेंज करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबो,
यस ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। तो ये केवल छोटा सा क्विज था 5 नंबर का, आप जरूर बताइए मुझे 5 में से आपने कितने मार्क्स पाए। ओके okay?